हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुस के में। हम चैनल उपचानुस के में रोज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आपका बैग कैरी करने का तरीका क्या कहता है। बैग कैरी करने का तरीका कुछ कहता है। कहा जाता है कि किसी की पसंद उसकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अलग अलग ढंग से कैरी करते हैं। इसी तरह फैशन के इस दौर में आपका बैग कैरी करने का तरीका भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंधे पर बैग कैरी करने वाले लोगों की। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कंधे पर बैग कैरी करना बहुत पसंद होता है। अगर आप भी कंधे पर बैग कैरी करती हैं तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी प्रोफेशनल हैं। कंधे में बैग कैरी करने वाली महिलाएं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बहुत ही अच्छे से संभाल सकती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत बिजी रहती हैं और दिखावे में ज़्यादा यकीन नहीं करती। ऐसी महिलाएं मल्टीटास्कर होती हैं। अब बात करते हैं बैग को हाथ में पकड़कर चलने वाली महिलाओं की। कहा जाता है कि जो महिलाएं हाथ में बैग कैरी करती हैं वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं होती। जिन महिलाओं को बैग को हाथ में कैरी करना पसंद होता है, ऐसी महिलाएं ऐशो आराम की लाइफ और लोगों की नज़र में बने रहना पसंद करती हैं। इसके बाद बात करते हैं बाँह के नीचे बैग रखने वालों की। जिन महिलाओं को बैग अपनी बाँह के नीचे रखकर चलना पसंद होता है, ऐसी महिलाएं हर किसी के साथ घुलने मिलने वाली नहीं होती हैं। कई औरतों को इस तरह के बैग कैरी करने की आदत होती है। आप लोगों की नज़रों से बचकर रहना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए कीमती चीज़ों जैसे बैग को अपने करीब रखना पसंद करती हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बैग को हाथ में कैरी करती हैं। बहुत सी महिलाओं को बैग को हाथ में टांग कर चलना पसंद होता है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं स्वभाव से बड़ी ही शांत होती हैं। आप स्टेटमेंट बनाना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं अपने स्टेटस का बहुत अधिक ख्याल रखने वाली होती हैं। आप बहुत अधिक स्टाइलिश किस्म की होती हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बैग को कंधे पर क्रॉस्ड करके डालते हैं। ऐसी महिलाएं जो बैग को कंधे पर क्रॉस करके डालना पसंद करती हैं, ऐसी महिलाओं को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और ऐसी महिलाएं आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हैं। यह किसी भी काम को आराम से करना पसंद करती हैं। इन्हें टेंशन फ्री लाइफ जीना पसंद है। बैग को हैंडल के साथ पकड़ना। बहुत सी महिलाओं को यह आदत होती है कि वो बैग को हैंडल के साथ कैरी करती हैं। ऐसी महिलाएं जो बैग को हैंडल के साथ कैरी करना पसंद करती हैं उन्हें अचीवर कहा जाता है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहती हैं। आपको काम करना बहुत अधिक पसंद है। आप में बहुत अधिक आत्मविश्वास है जो आपको कामयाब बनाता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो बैकपैक स्टाइल में बैग कैरी करती हैं। जिन लोगों को बैकपैक स्टाइल में कैरी करना पसंद होता है, ऐसे लोग बहुत ही कूल होते हैं। आप आरामदायक फैशन पसंद करती हैं। आपके अंदर फैसले लेने की क्षमता बहुत अधिक है। आपको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद है। आपका स्टाइल हमेशा ही कूल रहता है। अब बात करते हैं क्लचेस या हैंड पर्स वाली महिलाओं की। बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें क्लचेस या हैंड पर्स कैरी करना पसंद होता है। जिन महिलाओं को क्लचेस या हैंड पर्स कैरी करने का शौक होता है, कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं टेंशन फ्री रहना पसंद करती हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहती हैं या अचीव करना चाहती हैं। क्लचेस कैरी करने वाली महिलाएं बहुत ही प्रिटी दिखाई देती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।